इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तीन दिन का युद्ध, एक दिन विलंब से आया है रावण, तीसरे दिन भगवान ने उसको गति दिया है। तीन दिन का युद्ध रावण भगवान से लड़ा है, भगवान उसको खिलाते रहे। एक दिन के युद्ध में रावण ने विभीषण जी को मारने की रचना बनाई थी, वह भगवान अपने हृदय पर मेल लिए, वीर घातनी सांगी विभीषण को बचाया है। भगवान ने धर्म की रक्षा की है, क्योंकि शरण आगत कहु देत जहु निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ही बिलोकत हान। शरण में आए हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर छठवें दिन मात्री रथ लेकर आया है, भगवान आरूढ़ हुए। अरे आठवें दिन और नवें दिन भगवान ने रावण को सदगति प्रदान की है। गोस्वामी जी ने बड़ा संक्षेप में आसुरी समाज के भाव का वर्णन किया है। सही तो बांध कपि से निजिम उतरी सागर पार, गजब बसी ठी वीर अवर जे विधि बाली कुमार, निश्चर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। भगवान ने विभीषण जी को आज्ञा दी है कि आप इनका अंतिम संस्कार करिए। फिर हनुमान जी ने मां को संदेश दिया, अग्नि साक्षी करके भगवान ने सत्य स्वरूप प्राप्त किया। कोष भगवान ने लुटवा दिया है, कपिल लोग पहन लिए। बीच में इंद्र को अमृत वृष्टि की भी भगवान ने आज्ञा दिया है। कई लोग होते हैं जब समय चुक जाता है तो पहुंच जाते हैं, मैं भी था हाजिरी देने के लिए। देवराज इंद्र भी बड़े विचित्र हैं, मेघनाद था तब तक नहीं आए डर के मारे, जब मेघनाद नहीं रहा तब भगवान की सेवा में प्रस्तुत हुए हैं। भगवान ने उनको भी प्रसन्न किया है और अब प्रभु ने कपियों को विदा किया बड़े प्रेम से। माँ विभीषण जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद जी, हनुमान जी, लक्ष्मण भैया के साथ में परमात्मा श्री अयोध्या जी की ओर चले। अब आगे की कथा उत्तरकांड में प्रवेश करेगी। भगवान धरती के भार को उतारने के लिए आए थे और मनुज चरित्र करना था, इसलिए भगवान ने कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं किया कि हमारा जो अवतार कारण है वह कलंकित हो। श्रेष्ठत्व यही है, अपनी प्रभुता को जान करके भी बचाकर रखना। हमारे अंदर प्रभुता है तो प्रभुता का प्रदर्शन यह ज्ञानता है। भगवान ने कहीं नहीं किया। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, भगवान चाहते, दूसरी बार जब शक्ति लगी थी तो हनुमान, तुम कृतांत भक्षक सुनो भ्राता, उठिए। हनुमान जी उठ खड़े हुए, इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, लक्ष्मण जी विश्राम चाहते थे इसलिए भगवान ने उनको विश्राम दिया। भ्रातृ प्रेम क्या होता है, जीव मात्र को भगवान ने उपदेश किया है। हनुमान जी को दिव्य तत्व, वह बूटी लाने के लिए जिस कारण से हनुमान जी का दिव्य अवतार है उसका निमित्त समझाने के लिए भगवान ने लक्ष्मण जी को उठाया। नहीं, ओ प्रभु तो त्रिभुवन जिला सकते हैं, त्रिभुवन को मार सकते हैं। वालका इंद्र अमृत वृष्टि में प्रभुशक त्रिभुवन मार जियाई, केवल सक्र ही दीन ही बढ़ाई। भगवान ने इंद्र को बढ़ाई दिया, अब अमृत गिरा दो। अब अमृत कैसा, कपी लोग खड़े हो गए, असुर लोग पड़े रह गए। कोई पूछा है हमसे कि क्या अमृत भी भेद करता है? अमृत भेद नहीं किया, भगवान की आज्ञा में है। ये उठेंगे और ये पड़े रहेंगे, ये तो रामाकार हो गए। किसको कहां ले जाना है, कहां फिट करना, कहां बैठाना, कहां मुक्ति दिलाना है भगवान जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। भगवान मेरे चले श्रीलंका से श्री अयोध्या जी की ओर। विमान चला, चलता विमान कोलाहल होई, जय जय कुबीर कहै से
भगवान से पूछा नहीं, भगवान ने दिव्य रामेश्वर भगवान का दर्शन कराया, कहा देवी प्रणाम करिए। समुद्र पार आए, शबरी माँ के आश्रम, संत मुनि जहां जहां भगवान रुके थे सबका दर्शन कराया। तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया प्रभु ने, अयोध्या जी की परिक्रमा लगाई, स्थिति का पता लिया, चले प्रयाग में उतरे, भरद्वाज जी का दर्शन हुआ। श्री हनुमान जी को भेजा प्रभु ने, भरत भैया को संदेश करिए हम आ रहे हैं। हनुमान जी पहुंच गए, इधर राम विरह सागर महु भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनु कोई। भरत भैया गुरुदेव भगवान के पास संदेश दिए, प्रभु परमात्मा श्री राम माँ भैया के साथ अयोध्या जी आ रहे हैं। गुरुदेव ने सचिवों को आज्ञा दिया, आते हैं रघुनंदन सचिवा को द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, आते हैं रघुनंदन सचिवा को द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। कलश को आने दो, नर नारी खुशियां मनाओ, गाओ रे मंगल चार, खुशियां मनाओ, गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। परमात्मा परिचय कराते, मुझे प्राणों से भी प्यारे है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी, ये है अवधपुरी है अवधपुरी। बंदे कराते हैं जामवंत जी, ये है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिल दिखावत नगर मनोहर, सुन कपि संगत लंकेशा पावन पुरी रुचि जैसा, सुन जामवंत बजरंग बलिन रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। यद्यपि सब
लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार परमात्मा निषाद जी के यहाँ आए, केवट जी निषाद जी को लेकर श्री अयोध्या पधारे, पुष्प के अनुम को प्रेरणा किए हैं। आप कुबेर जी के पास जाइए, गुरुदेव को देखकर भगवान ने धनुष बाण एक तरफ रख के चरणों में दंडवत किया है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आशीष पाया है, भरत जी प्रणाम करते भगवान उनको हृदय से लगाते हैं, बहुत स्नेह जल से अभिसिंचित किए। सारी प्रजा सोचती है भगवान हमको ऐसे मिले, अमित रूप प्रकटे ते ही काला जथा जोग मिले, सबको सुखी करके भगवान माताओं का नेग नेवछावर मंगल भाव स्वीकारते हैं। गुरुदेव भगवान से मित्रों का परिचय कराते हैं और मित्रों को गुरुदेव भगवान का परिचय कराते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।